Hello students, welcome to getlectures.com. Today we will see an example of second type of load based on the direction of load on the given cross section of the member. Okay, आज हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे सिंपल, जिसमें कि सेकेंड टाइप ऑफ लोड की टोटल एनालिसिस देखेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे, एनालाइज जो किया था कि सेकेंड टाइप ऑफ लोड जो ग्रुप बी में जो हमने जो लोड्स को कैटेगराइज किया था बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोड ऑन द गिवन क्रॉस सेक्शन. तो उस तरह से क्रॉस सेक्शन पर हमने देखे थे एक्सियल लोड, देन ट्रांसवर्स शियर लोड, एसेंट्रिक एक्सियल लोड, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड. तो उनके कुछ रिलेशन हमने देखे थे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें किस तरह से हम एनालाइज करेंगे. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सिंपल एग्जांपल से, देन आफ्टर जब हम लोग पूरी एनालिसिस लोड्स की कंप्लीट करेंगे उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर गेट्स में भी पूछे गए हैं, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लोड्स. ओके, लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन एग्जांपल, फर्स्ट फॉर द स्ट्रक्चरल मेंबर एबीसीडी. Structural member ABCD, this point is fixed. Structural member ABCD, as shown in figure, determine type of load with respect to the member AB, BC and CD. AB, BC और CD member के respect में ये किस type के load है, only type of load. हमें further analysis नहीं करनी है, अभी हमें डीप नहीं जाना है. जैसे जैसे एनालिसिस को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे लोड के इफेक्ट्स की स्टडी करेंगे, देन आफ्टर हम लोग सारे इफेक्ट्स फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे. बट यहां पर केवल क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ए बी बी सी एंड सी डी विच टाइप ऑफ लोड इज दिस. तो यहां पर एक पी लोड लगा है, एक क्यू लगा है और एक लोड मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, दिस इज आर लोड. ओके, दिस इज आर. क्रॉस का मतलब सबको पता है, दिस इज इनवर्ड फोर्स. इनवर्ड फोर्स क्रॉस सेक्शन पर इनवर्ड जा रहा है ये फोर्स. तो हमें बस ये देखना है कि लोड पी सी डी मेंबर के लिए, बी सी मेंबर के लिए और ए बी मेंबर के लिए किस टाइप का लोड है, आर लोड किस टाइप का लोड है ए बी बी सी और सी डी मेंबर के लिए, और क्यू लोड जो है वो किस टाइप का लोड है. अगर आप यहां पर देखो तो पी लोड जो अपना पी है, अगर मैं सी डी मेंबर की एनालिसिस करूं, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस पे उस मेंबर की एनालिसिस करते हैं जो मेंबर, जिस मेंबर पर लोड अप्लाई होता है. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जब हम एक लाइन डायग्राम से मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, लाइन क्या है, दिस लाइन ए बी लाइन जो है, ए बी लाइन इंडिकेट्स दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर ए बी. BC line, line BC is also longitudinal axis of member BC and CD is a longitudinal axis of member CD. तो ये total longitudinal axis होती हैं जो कि इस member को represent कर रही हैं. तीनों member, जो तीन member AB, BC और CD member को join करके एक member बनाया गया है, ABCD member हमने डिजाइन किया है, उस मेंबर में जो ए बी लाइन है, बी सी लाइन है और सी डी लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द गिवन मेंबर, कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर. ओके, तो सी डी पर अगर आप देखें तो दिस सी डी लाइन इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड पी लोड इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. एंड विच टाइप ऑफ लोड इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस लोड इज एक्सियल लोड और नॉर्मल लोड. आप एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस लोड इज आउटवर्ड फ्रॉम द सी डी मेंबर, दिस इज एक्सियल टेंसाइल लोड. अगर सी डी मेंबर पर क्यू लोड की बात करें, क्यू इज द परपेंडिकुलर. आप यहां पर देखो सी डी बी सी एंड ए बी, एक रफ डायग्राम देखते हैं, पी क्यू आर एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं, टेबुलर फॉर्म में. सी डी के लिए पी कैसा है, क्यू कैसा है और आर कैसा है, और ए बी के लिए कैसे है. सिंपल, अभी बस एक सिंपल एनालाइज करेंगे, फिर इसका टेबुलर फॉर्म भी देखेंगे. तो पी इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द सी डी मेंबर, देन पी इज व्हाट टाइप ऑफ लोड, एक्सियल टेंसाइल लोड फॉर विच मेंबर, फॉर सी डी मेंबर. क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ सी डी मेंबर, दैट्स व्हाई क्यू इज व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसवर्स शियर लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड. देन आर, आर इज इनवर्ड, इनवर्ड फोर्स इन द प्लेन ऑफ स्क्रीन, प्लेन ऑफ स्क्रीन में ये कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन, आर इज इनवर्ड डायरेक्शन में. देन दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ सी डी मेंबर, दैट्स वाई आर इज, आर जो फोर्स है वो कैसा है, जो फोर्स
longitudinal axis के perpendicular होता है, वो force कैसा होता है? Transverse shear load. This is also transverse shear load. Now, we will analyze these forces for BC member. If we extend this P load up to C point, this P load touches the BC member. टच कर रहा है BC member को, अगर P को हम extend कर रहे हैं, तो ये C point पर touch कर रहा है, और जो P है, P is perpendicular to the BC member, BC line, BC member के longitudinal axis के perpendicular जा रहा है, अगर आप extend करके देख रहे हो तो, ठीक है, ये सारी चीजें जब हम लोग FBD बनाएंगे, आगे जब हम force के effects की analysis कर लेंगे, then after जब FBD बनाएंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीजें हमें दिखेंगी, तो अभी बस आपको ऐसे देखना है, P को अगर मैंने extend किया, मैंने उस time भी आप लोगों को बताया था, previous lecture में ये analyze किया था, कि जो transverse shear load होती है, वो perpendicular to the longitudinal axis होती है, लेकिन जो eccentric transverse shear load होती है, वो perpendicular to the longitudinal axis होती है, but away from the longitudinal axis, कभी वो एक दूसरे को touch नहीं करते हैं, जो आपने previous lecture में देखा था, तो यहाँ पर ये जो P load है, P को अगर extend कर रहे हैं, तो वो BC member के longitudinal axis को touch कर रहा है, point C पे, और ये P जो है, perpendicular to the BC member है, that's why P is what type of load for BC, BC member के लिए कैसा है, transverse shear load, because P is perpendicular to the BC member, अब यहाँ पर आते हैं Q, Q load को अगर आप extend करेंगे BC के लिए, तो Q is parallel to the line of action of Q for BC member के लिए line of action of Q, कैसा है, parallel to the longitudinal axis, parallel to the BC member, longitudinal axis of the BC member के parallel है, ठीक है, parallel है, तो ये कैसा हुआ, parallel है, along नहीं है, along the longitudinal axis नहीं है BC के लिए, this is parallel to the longitudinal axis, that's why Q is what type of load, this is parallel to the longitudinal axis, that's why this is axial load, but this is parallel to the longitudinal axis, तो यह कैसा हो जाएगा, eccentric axial tensile load, eccentric axial tensile load for BC member, and R load जो है, this is inward force, R is inward, अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से अगर draw करें, तो this is like this force, this is R, R force इस तरह से, this is perpendicular to the BC member, longitudinal axis of the BC member, but away from the BC, longitudinal axis of the BC member, this is away from the, ये कभी एक दूसरे को touch नहीं करेंगे, this is eccentricity E, for this R, R is away from the BC member, that's why R is eccentric transverse shear load for BC member. Now, अब AB member के बारे में देखते हैं. AB के लिए क्या है? P load जो है, AB का longitudinal axis ये रहा, और P load कैसा है? Parallel to the, अगर आप यहाँ पर कुछ eccentricity की values अगर आप लिख लें, बस ये visualize करने के लिए चीजें हैं, कि किस टाइप का load है, कहाँ पे? This is A. Okay, तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो AB member के लिए P load कैसा है? This is parallel to the longitudinal axis and direction is compressive. तो AB member के लिए P load कैसा है? Eccentric axial compressive load. Q कैसा है? अगर मैं Q को extend करता हूँ, तो it touches. ये AB member को touch कर रहा है. Perpendicular है, but not away from the AB member. Longitudinal axis of the AB member. तो Q is transverse shear load. And R is what? R is also perpendicular to the AB. R load is perpendicular to the AB, but away from the AB member. This eccentricity is B. Away from the AB member. That's why this is eccentric transverse shear load. Okay? इसको अगर टेबुलर फॉर्म में यहां पर थोड़ा बेहतर तरीके से देखा जाए तो AB के लिए P कैसा है? P is eccentric axial compressive load. Q for AB is what? Transverse shear load. R is what? R is eccentric transverse shear load. BC member के लिए आपने देखा, BC member के लिए P Q R P is
बीसी के लिए पी कैसा है, ट्रांसवर्स शियर लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड। क्यू के लिए क्यू फोर्स कैसा है बीसी के लिए, दिस इज एसेंट्रिक एक्सियल, एसेंट्रिक एक्सियल, दिस इज टेंसाइल और कंप्रेसिव, दिस इज टेंसाइल, एक्सियल टेंसाइल लोड। एंड नेक्स्ट वन बीसी मेंबर के लिए आर कैसा है, ई टी एस एल, ई टी एस एल। एंड सीडी मेंबर के लिए, सीडी मेंबर के लिए पी कैसा है, पी इज एक्सियल टेंसाइल लोड। क्यू इज, क्यू लोड इज, दिस इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज ट्रांसवर्स शियर लोड। एंड आर इज ऑल्सो ट्रांसवर्स शियर लोड फॉर सीडी मेंबर, दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्स शियर लोड। यहां पर हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में एनालाइज किया था लोड का, एक्सियल लोड, एसेंट्रिक एक्सियल लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, तो उनका उसका एक सिंपल एग्जांपल अभी हमने देखा। अभी हम लोड में एंटर अभी हम लोगों ने किया है, अभी लोड के इफेक्ट्स को देखने के बाद मेंबर पर कंप्लीट इफेक्ट देखेंगे, जहां पर कि फ्री बॉडी डायग्राम का भी यूज करेंगे और वहां पर एनालाइज करेंगे। ये सिंपल एग्जांपल था जिसमें कि आप लोड को विजुअलाइज कर सकते हो कि किस टाइप का लोड है, किस मेंबर के लिए कौन सा लोड, किस टाइप का लोड है। इसके बाद हम लोग जो आगे अभी थर्ड टाइप ऑफ लोड के बाद लोड्स के इफेक्ट की जब स्टडी करेंगे तो वहां पर उनके इफेक्ट्स देखेंगे, देन क्वेश्चन में कुछ ट्विस्टिंग करेंगे, उसके बाद ट्विस्ट करने के बाद उन क्वेश्चंस को करेंगे और प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस करेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड, नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड, नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड, थर्ड टाइप ऑफ लोड। हमने कौन कौन से लोड देखे थे, थर्ड टाइप ऑफ बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल। उनको जानने से पहले हमें बीम्स की बेसिक स्टडी, हम यहाँ पर बीम्स की बेसिक स्टडी करेंगे, बिकॉज जो हम यूडीएल, यूवीएल और पॉइंट लोड की बातें जो करते हैं वो बीम्स के ऊपर ही करते हैं, और कुछ बेसिक पार्ट हम बीम का यहाँ पर देखेंगे। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहां पर बीम क्लियर रहेगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ What is beam? Beam, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह सब में आप लोगों ने देखा होगा, बीम के डेफिनेशंस को भी फॉलो किया होगा। तो यहां पर बीम का डेफिनेशन क्या है, बीम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी, ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी मेंबर को हम जो पेज पे रिप्रेजेंट करते हैं बाई यूजिंग लाइन डायग्राम, दैट लाइन, द लाइन ऑफ दैट डायग्राम रिप्रेजेंट्स द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। ओके, तो वैसे ही बीम में भी होता है, बीम को अगर एक लाइन में हम ड्रॉ करते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम। ओके, तो यहां पर अगर देखा जाए, बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड्स ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। अगर आप यहां पर देखो, दिस इज पी लोड। अगर मैंने एक बीम का एग्जांपल अभी लेंगे, अभी हम लोग बीम के एग्जांपल्स, तो बीम का सिंपल डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। ओके, तो बीम के कुछ टाइप्स भी है अपने, तो फर्स्ट टाइप देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। सब लोग पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ बीम व्हिच इज सपोर्टेड एट इट्स टू एंड्स, टू एंड्स, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू एंड्स, बाय आइदर टू रोलर सपोर्ट और टू हिंज्ड सपोर्ट और वन रोलर एंड वन हिंज्ड सपोर्ट। मतलब कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, जो कि अपने एंड पॉइंट पर सपोर्ट्स होते हैं, उनके एंड पॉइंट पर सपोर्ट्स होते हैं, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस बीम, दिस ए पॉइंट एंड बी पॉइंट इज द एंड पॉइंट्स ऑफ द बीम, और एंड पॉइंट पर क्या है, दिस इज सपोर्ट, सपोर्ट, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट, सपोर्ट। ओके, दिस इज पी लोड, जो कि एंड पॉइंट पे, जब आप आगे देखेंगे ओवरहैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम, तो उनमें और एसएसबी में डिफरेंस क्या है, तो एसएसबी क्या होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पॉइंट्स पर ही सपोर्ट लगे होते हैं, और वो सपोर्ट किस टाइप के होते हैं, टू रोलर हो सकते हैं, दिस इज रोलर सपोर्ट, दिस बी सपोर्ट, सपोर्ट एट पॉइंट बी इज रोलर सपोर्ट, वी कैन राइट दिस इज रोलर सपोर्ट, ठीक है, एंड दिस इज हिंज्ड सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट। तो आप दोनों हिंज कर सकते हैं या दोनों रोलर कर सकते हैं या एक हिंज एक रोलर कर सकते हैं। ये गिवन बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा है, दिस इज अ रेक्टेंगल इन शेप, तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम। ओके, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का डेफिनेशन क्लियर हुआ। ओके, नाउ
अब इसमें अगर देखा जाए सिंपली सपोर्टेड बीम में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों रोलर सपोर्ट होंगे तो वो बेस्ट होगा कि दोनों हिंज होंगे तो बेस्ट होगा, या एक रोलर एक हिंज होता है तो बेस्ट होता है? आप देखें तो रोलर एंड हिंज सपोर्ट, वन रोलर एंड वन हिंज सपोर्ट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज बेस्ट कॉम्बिनेशन। अभी हम आगे देखेंगे क्यों यह बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। रिएक्शन मीन्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन, रिएक्शन मीन्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन। कोई भी अगर आपने सपोर्ट दिया तो सपोर्ट आपको क्या देता है, रिएक्शन प्रोवाइड करता है, रिएक्शन प्रोवाइड करता है यानी कि उस डायरेक्शन में आपके मोशन को वो रिस्ट्रिक्ट करता है। देखेंगे अभी हम लोग हिंज सपोर्ट में कितने रिएक्शन मिलते हैं, टू रिएक्शन, फिक्स्ड सपोर्ट में तीन रिएक्शन और रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन। अब इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं, रिएक्शन के बारे में देखते हैं। अगर आप सपोज करो एक मैंने हिंज सपोर्ट लिया, यहां पर पहले देखते हैं रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। अगर कोई भी बीम है, दिस इज अ फिक्स्ड बीम ए बी, कोई बीम है फिक्स्ड बीम है, अगर इस पर मैंने कोई पी लोड लगाया तो ये बीम, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम, कोई भी मैंने एक एग्जांपल दिया है सिंपल एग्जांपल, दिस लोड पी, इस पी लोड को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, यहां से एक रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, एक लिमिटेशन तक ये रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, तब तक वो क्या होगा, बेंड नहीं होगा या ये डाउनवर्ड मूव नहीं करेगी बीम। तो ये क्या कर रहा है, दिस रिएक्शन प्रोवाइड रिस्ट्रिक्टेड द मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अगर एक मैं हॉरिजॉन्टल लोड भी लगा दूं, दिस इज ऑल्सो पी लोड हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज यहां पे क्या है, दिस इज फिक्स्ड इन दिस डायरेक्शन, तो यहां से भी एक रिएक्शन प्रोवाइड हो रही है, एक रिएक्शन प्रोवाइड हो रही है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। देन आफ्टर तीसरा होता है, जब आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोगों ने सिंपल 11th क्लास में भी देखा होगा कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, देयर आर थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन टू डायमेंशन, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, एंड समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट विल बी जीरो। तो वो मेंबर क्या होगा, अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो टोटल स्टैटिक कंडीशन की ही एनालिसिस हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं। तो यहां पर अगर सपोज कर लो यहां से मूवमेंट अगर प्रोवाइड हो रही होगी, ये मूवमेंट यानी कि ये बेंड नहीं कर रहा है, बेंड नहीं कर रहा है यानी कि यहां से काउंटर मूवमेंट भी इसे मिल रहा है, मान लो एम मूवमेंट मिल रहा है ड्यू टू दिस लोड पी। तो ये जो तीन रिएक्शंस ये प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज दिस सपोर्ट इज कॉल्ड अ फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट पे इसको तीनों रिएक्शंस मिलते हैं। तो फिक्स सपोर्ट पे हमने क्या दिया, तीन रिएक्शन, तीनों डायरेक्शन में मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। हिंज सपोर्ट की बात करते हैं, हिंज सपोर्ट अगर आप सपोज कर लो कोई भी आप चीजों को हैंग करते हो, सपोज कर लो एक कैलेंडर को अपने वॉल पे हैंग किया, तो दैट इज कॉल्ड अ हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में वो क्या कर रहा है, ना ही उस कैलेंडर को वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होने देता है, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होने देता है, बट वो उसके रोटेशन के उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, कैलेंडर आपका मूव कर सकता है आसानी से, दैट इज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में कितने रिएक्शंस मिले, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रिएक्शन मिलता है और वर्टिकल डायरेक्शन का रिएक्शन प्रोवाइड होता है। तो हिंज सपोर्ट आपके दो डायरेक्शन, दो रिस्ट्रिक्शंस करते हैं मोशन के, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दैट्स व्हाई हिंज सपोर्ट आपके कितने रिएक्शंस प्रोवाइड करते हैं, टू। रोलर सपोर्ट आपके कितने रिएक्शंस देते हैं, रोलर सपोर्ट की अगर बात करो तो अगर किसी रोलर सपोर्ट की मैं बात करता हूं, यहां पर अगर आप देखें तो दिस इज रोलर सपोर्ट, अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात करता हूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता हूं तो ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑन रोलर। तो रोलर तो आपके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वो नहीं दे रहा है, बिकॉज की अगर आप हॉरिजॉन्टल लोड लगाओगे तो रोलर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल वो नहीं कर रहा है, और ऊपर से वो हिंज की तरह ही होता है, हिंज में वो मूवमेंट को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, वो केवल किस चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है, वर्टिकल मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। दैट्स व्हाई रोलर सपोर्ट के रिएक्शन कितने होते हैं, वन रिएक्शन। ओके, दिस टर्म इज क्लियर, ओके आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज the different supports, why the roller and hinge support is best combination for the simply supported beam, and why not hinge or roller support is the best combination for the simply supported beam। बहुत सारे exams में ये simple question पूछे जाते हैं, which combination of the support is best for the simply supported beam, and which beam is statically determinate और statically indeterminate beam, वो सारी analysis यहाँ पर करते हैं। This analysis is very important because lots of question comes from this topic, okay, basic of beams।
आप यहां पर अब देखते हैं हिंज इन सपोर्ट हम कर रहे हैं, दिस इज पी लोड, किसी एक इंक्लाइन थीटा एंगल से हमने पी लोड लगाया इस बीम पे, दिस इज बोथ साइड सपोर्ट्स आर हिंज हिंज सपोर्ट। अगर आप देखो तो हिंज सपोर्ट कितने रिएक्शंस प्रोवाइड करता है, दिस इज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड हियर द रिएक्शन एनी डायरेक्शन, जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखेंगे, जब आप एफबीडी डायग्राम देखेंगे, डायरेक्शन डजंट मैटर, वो डायरेक्शन आपके एनालिसिस से फिर मिल जाता है। तो यहां पर अगर मैं इसे कहूं आर ए वी एंड दिस इज आर ए एच, आर ए वी मीन्स द रिएक्शन प्रोवाइडेड बाई हिंज सपोर्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन एट पॉइंट ए एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाई हिंज सपोर्ट एट पॉइंट ए, हियर द आर बी H, this is R, B, V. Okay, B point पे, this is P load, acting on the beam in inclined by theta. Okay, theta inclination से किसी load को हम beam पे लगाते हैं. This is the generalized condition. Generalized condition है अपना. This is generalized condition. अगर आप यहां पर देखो तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, दिस इज पी साइन थीटा एंड दिस इज पी कॉस ऑफ थीटा। ओके, अगर आप स्टैटिक कंडीशन में बात करते हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कितने होते हैं, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहां से देखो तो देयर आर टोटल number of unknowns is 4, number of reaction is equal to 4, RAV, RAH, RBH, RBV, number of reaction is 4 and number of static equilibrium equation kitne hote hain, agar yahan par dekha jaye to number of equation is 3 एंड नंबर ऑफ अननोन्स इज 4, तो क्या ये पॉसिबल है फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कि आप डिफरेंट कंडीशंस से जाओगे आगे, इंडिटर्मिनेट बीम्स के भी कंडीशंस को देखोगे। यहां पर बेसिकली हम बस इतना कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्वेशन, कौन कौन से इक्वेशन होते हैं, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, summation of vertical forces is equal to 0 and summation of moment about any arbitrary point is equal to 0. There are 3 static equilibrium equations and there are 4 unknowns. This is not possible to find easily. Okay, so this is not the best combination. This is statically indeterminate condition. Number of equation is 3 and number of unknowns are 4. आगे अभी धीरे धीरे देखते जा रहे हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस यहां पर 4 हो गए और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हो गए, 3, तो दीज आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दिस इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, इसलिए ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में हिंज्ड एंड रोलर सपोर्ट, यहां पर अगर देखा जाए दिस इज हिंज सपोर्ट, दिस इज रोलर सपोर्ट, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस लोड इज पी एंड दिस एंगल इज थीटा। अगर आप यहां पर देखो तो हिंज सपोर्ट आपके कितने रिएक्शंस प्रोवाइड करता है, 2 रिएक्शंस, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दिस इज आर ए वी एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज आर ए एच एंड रोलर सपोर्ट प्रोवाइड ओनली 1 रिएक्शन, ठीक है, एक ही रिएक्शन, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में रोलर सपोर्ट आपको रिएक्शन प्रोवाइड करता है, दिस इज आर बी वी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप रोलर सपोर्ट पे देखोगे तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली वो मूव करने लगता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं करता है, वो मोशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहां पर अगर आप देखो, देर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स, दिस इज पी साइन थीटा एंड दिस इज पी कॉस ऑफ थीटा। यहां पर अगर आप देखो तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3 and number of static equilibrium equation is equal to 3.
कौन कौन से, दिस समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, एंड समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो. तो यहां पर नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन. यहां पर आपके दोनों इक्वल हो गए, दैट्स व्हाई दिस इज स्टेटिकली डिटर्मिनेट. स्टेटिकली डिटर्मिनेट बीम. अब एक कंडीशन और, अगर मैं बात करता हूं, जब आपने हिंज हिंज सपोर्ट की बात करी, हिंज हिंज सपोर्ट में ये जनरलाइज्ड कंडीशन था, जनरलाइज्ड कंडीशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स दोनों लग रहे थे, तब ये स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट हुआ. अगर आप यहां पर देखो, दिस इज स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. ये स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हुआ, बट दिस इज ओनली इन जनरलाइज्ड कंडीशन. अगर आप केवल एक वर्टिकल फोर्स ही लगाओ तो उस कंडीशन में यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, वो आगे हम लोग देखेंगे. तो इस कंडीशन में ये स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट हुआ, जहां पर नंबर ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन था. अगर सिंपल कंडीशन में देखेंगे आगे, तो वहां पर ये आपका स्टेटिकली डिटर्मिनेट भी होगा, बट इन सम कंडीशंस, नॉट इन ऑल कंडीशंस. बट हिंज एंड रोलर सपोर्ट, जो हिंज एंड रोलर सपोर्ट जो होते हैं, वो हर एक कंडीशन में स्टेटिकली डिटर्मिनेट होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन. इसमें क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, दैट्स वाई आपको अननोन्स फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्टेटिकली डिटर्मिनेट बीम. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इन नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशन की बात पे आ ही गए, जो आगे हम बोल रहे थे, दिस आर हिंज हिंज सपोर्ट. नॉर्मल कंडीशन, दिस इज हिंज्ड हिंज्ड सपोर्ट, हिंज्ड हिंज्ड सपोर्ट, दिस इज पी लोड. ओके, रिएक्शन हिंज रिएक्शन कितने प्रोवाइड करता है, देयर आर टू रिएक्शंस. ओके, अगर आप यहां पर देखो तो दिस इज आर ए वी, दिस इज आर बी वी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. अगर अब यहां से मैं एनालिसिस जो स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पर केवल एक वर्टिकल लोड लग रहा है, दिस इज ओनली वन वर्टिकल लोड, देयर इज नो एनी हॉरिजॉन्टल लोड. तो जब हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस प्रोवाइड ही नहीं करेगा, अपना जो हिंज सपोर्ट है वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोवाइड ही नहीं करेगा. तो यहां से अगर आप देखो, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ स्टेटिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज इक्वल टू थ्री, बट इन दिस कंडीशन, इन दिस केस, नंबर ऑफ यूजफुल स्टेटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बिकॉज हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो यहां पर आप कौन कौन से दो स्टेटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करोगे, केवल एक वर्टिकल, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, एंड समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, केवल दो ही यूज करोगे. तो इन दिस कंडीशन नंबर ऑफ यूजफुल स्टेटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज इक्वल टू टू, बिकॉज देयर इज नो एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट्स वाई नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाई हिंज सपोर्ट, दैट्स वाई एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कम हो गया यूजफुल. तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स और रिएक्शन इज इक्वल टू टू, बिकॉज कि इस नॉर्मल कंडीशन में आप देखो तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का कोई बात ही नहीं बनता है. जब तक आप हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा. वैसे हिंज सपोर्ट आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोवाइड करता है, किस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोवाइड होगी, जब उस पर हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट करेगा. बट इस कंडीशन में कोई हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हम देखेंगे ही नहीं, वो होंगी ही नहीं. ओके, तो एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने कट किया, तो उससे अपने कितने नंबर ऑफ अननोन्स कट हो गए, दो. तो इस कंडीशन में क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन.
तो ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने करी, बट जनरलाइज्ड कंडीशन में हिंज हिंज सपोर्ट आपका स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट होता है, लेकिन इस कंडीशन में आपका ये क्या हो गया, स्टेटिकली स्टेटिकली डिटर्मिनेट डिटर्मिनेट मींस एक रिएक्शन कम हमने किया, एक हमने क्या किया नॉर्मल कंडीशन दे दिया, एक हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं की, तो एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को हमने हटाया और वहां से आपका क्या हो गया, दो रिएक्शंस आपके कैंसिल आउट हो गए। तो यहां पर क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ यूजफुल इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शंस, दिस इज स्टेटिकली डिटर्मिनेट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, तो उसमें यह भी ऑप्शन रहता है कि हिंज हिंज सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर वो दे दिया तो सिंपली सपोर्टेड बीम को आप कह सकते हो आइदर स्टेटिकली डिटर्मिनेट और स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट, सम इन सम कंडीशन द सिंपली सपोर्टेड बीम्स आर स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट एंड इन सम कंडीशन स्टेटिकली डिटर्मिनेट। ओके, अगर आप देखो तो केवल हिंज हिंज सपोर्ट लिख दिया, तो हिंज हिंज सपोर्ट में अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज आइदर स्टेटिकली डिटर्मिनेट और स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट, इट्स अप टू द गिवन कंडीशन। ओके, नेक्स्ट वन, द पॉइंट बीम्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, बीम्स आगे भी हमने बात किया था कि बीम्स को जो रिप्रेजेंट हम करते हैं, किसी भी मेंबर को जब रिप्रेजेंट करते हैं, जो लाइन डायग्राम हम बनाते हैं वो लाइन क्या होती है, अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है। तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, बीम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग पैरामीटर्स, फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, बी टाइप ऑफ सपोर्ट्स और सपोर्ट रिएक्शन, अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हिंज हिंज, हिंज रोलर, रोलर रोलर, तो सपोर्ट्स का भी टाइप वो गिवन होता है। थर्ड वन इज स्पैन और लेंथ, स्पैन क्या होता है, स्पैन और लेंथ, दिस The length between this is called span. Span, the length of the beam, span or length, span or length, and D the loads acting on it. कोई भी अगर आप beam draw करते हो, suppose कर लो एक ये हमने cantilever beam ही draw कर दिया, यहां पर हमने क्या लगा दिया, this is P load, तो this length is span, span of the beam, this is the longitudinal longitudinal axis, this is type of load, type of load, and this is the type of reaction, type of support reaction, ठीक है, type of support reaction, in this condition this is which type of support, this is fixed support, okay, longitudinal axis, type of load and span, okay, so beams are represented by following parameters, next one is, next beam is overhanging beam, ab baat aati hai ki overhanging beam kya hoti hai, this is look like simply supported beam, but simply supported beam aur overhanging beam mein difference kya hota hai, simply supported beam ke definition mein aapne dekha कि सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड पॉइंट पर सपोर्ट्स होते हैं, हिंज हिंज सपोर्ट, रोलर रोलर सपोर्ट और रोलर एंड हिंज सपोर्ट, कोई किसी भी टाइप के वो सपोर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स पे होते हैं, बट ओवरहैंगिंग बीम में भी दो ही सपोर्ट होते हैं लेकिन वो एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स पे नहीं होते हैं, तो वो एक्सट्रीम एंड पॉइंट से कुछ दूरी पे हटके होते हैं, तो these are the supports and this length is called overhang, overhang. अगर आप यहां पर देखो, हमने P load लगाया, this is P, P, this is hinge support, this is roller support, this point is A and this point is B, यहां पर क्या condition है, this is R A V, this is R B V, R B V, इसमें कोई horizontal load नहीं लग रहा है, तो number of useful equation, अगर आप देखो
तो सेम सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह इसकी भी एनालिसिस आप कर सकते हो. सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवरहैंगिंग बीम में डिफरेंस क्या होता है आप लोगों को पता चल गया कि सिंपली सपोर्टेड बीम के एक्सट्रीम एंड्स पर आपके सपोर्ट होते हैं बट ओवरहैंगिंग में ओवरहैंग कराया जाता है. तो सेम कंडीशन इसमें भी दो ही सपोर्ट्स होते हैं, तो इसमें भी ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हो सकती है. तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, दिस कंडीशन, इस कंडीशन में केवल वर्टिकल लोड लग रहे हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है. दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, दिस इज नॉर्मल कंडीशन. और नॉर्मल कंडीशन में यह बीम आपकी कैसी होगी, स्टैटिकली डिटरमिनेट, स्टैटिकली डिटरमिनेट, बिकॉज नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू 2, एंड नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज इक्वल टू 2. कौन कौन से, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इज इक्वल टू 0. देयर आर ओनली 2 यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड नंबर ऑफ रिएक्शन इज 2. दैट्स व्हाई दिस इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेट. अदरवाइज अगर जनरलाइज्ड कंडीशन हम देखते हैं, कोई हॉरिजॉन्टल लोड भी अगर इस पर लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ अननोन्स आपके कितने हो जाते हैं. दिस इज हिंज एंड रोलर सपोर्ट, और हिंज एंड रोलर सपोर्ट इज ऑलवेज स्टैटिकली डिटर्मिनेट. बट अगर ये हिंज सपोर्ट होता तो उसमें अगर आप जनरलाइज्ड कंडीशन में जाते तो उस कंडीशन में क्या होता, वो ऑलवेज क्या, जनरलाइज्ड कंडीशन में हिंज सपोर्ट ऑलवेज क्या हो जाती है, नंबर आपके क्या हो जाते हैं इसमें, कंप्लीटली वो इनडिटर्मिनेट हो जाती है. नंबर ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ यूजफुल स्टेटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन. दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ बीम इज ऑलवेज स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट इन जनरलाइज्ड कंडीशन, नॉट इन नॉर्मल कंडीशन. एंड दिस इज ऑलवेज दिस रोलर एंड हिंज सपोर्ट, दिस इज रोलर सपोर्ट, दिस इज हिंज सपोर्ट, एंड दिस इज ऑलवेज स्टेटिकली डिटर्मिनेट. रोलर एंड हिंज सपोर्ट इज ऑलवेज स्टैटिकली डिटर्मिनेट, बट हिंज सपोर्ट जनरलाइज्ड कंडीशन में आपका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगा, बट इन नॉर्मल कंडीशन हिंज सपोर्ट इज ऑल्सो स्टैटिकली डिटर्मिनेट. ओके, नेक्स्ट वन इज आवर कंटिन्यूअस बीम. कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है कि इसके एक्सट्रीम एंड्स पर भी लगे होते हैं, जैसे कि आप किसी भी ब्रिज का, कोई भी ब्रिज है, ब्रिज पर जो सपोर्ट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, that are continuous beams. Bridge का अगर example लो तो bridges are an example of continuous beam, because हर एक distance के बाद उसको support दिया जाता है. तो supports, जितने number of supports बढ़ेंगे आपके number of reactions क्या होंगे, this is P load, this is P load, this is hinge support, hinge support है. मैं केवल normal condition की भी बात कर रहा हूँ, normal condition हो या generalized condition हो, continuous beams are always statically indeterminate, because अगर this is A point, this is B point, this is C point, R A V, this is R B V, this is R C V. अगर देखो तीन सपोर्ट्स हुए जनरलाइज्ड कंडीशन की बात करते हैं. कभी कभी अगर यहां पर ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में एक रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट होने के कारण, रोलर हो या हिंज हो, अगर नॉर्मल कंडीशन है और नंबर ऑफ सपोर्ट्स कितने हैं, तीन है, तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो, इस कंडीशन में भी ये क्या होगी, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगी, बिकॉज नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होता है, नंबर ऑफ रिएक्शन इज 3. लेकिन आप जिस कंडीशन की बात कर रहे हो, नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इस कंडीशन में यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं, 2 है. द समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इज इक्वल टू 0. एंड नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस इज 3. दैट्स व्हाई दिस इज कंटीन्यूअस बीम. तो तीन नंबर ऑफ रिएक्शंस इसमें कितने हैं, देखो, नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम equation is equal to 2, because this is normal condition, summation of vertical forces
is equal to 0 and summation of moment about any arbitrary point is equal to 0 and number of reactions is equal to 3. It means this is not equal. Matlab ki number of useful equilibrium equation in this condition is 2 is not equal to number of reactions 3. This is not equal. So this beam is always statically indeterminate. Okay, ये always statically indeterminate होगी. मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कभी confused नहीं होना कि number of useful static equilibrium equation और number of static equilibrium equation. हमने number of static equilibrium equation हमारे 2D में 3 होते हैं, summation of vertical forces is equal to 0, summation of horizontal forces is equal to 0 and summation of moment is equal to 0, but useful static equilibrium equation कितने, कोई horizontal load नहीं लग रहा है इस condition में, तो summation of horizontal forces is equal to 0, उस equation का हमें use ही नहीं करना है, तो केवल useful equilibrium equation 2 है और number of reaction 3 है, that's why this is always statically indeterminate beam. Okay, cantilever beam. Next one is cantilever beam. The definition of cantilever beam is what? Cantilever beam is a beam which supported one end by fixed, this is fixed support, and support only and other end is free, this is P load. अब देखते हैं इस कंडीशन में कि कैंटिलीवर बीम आपकी स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम होती है कि स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम होती है. तो फिक्स्ड सपोर्ट कितने रिएक्शंस प्रोवाइड करता है? 3 रिएक्शंस. अगर आप यहां पर देखो, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. अगर यहां से एक कंडीशन देखते हैं कि यहां से हमने लगाया, दिस इज आर ए वी, हॉरिजॉन्टल लोड देखते हैं, कंडीशन कोई भी, हॉरिजॉन्टल लोड लगा नहीं है, दिस इज यूजफुल, देख लेते हैं आर ए एच एंड अ मूवमेंट एम ए. ठीक है, मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो के कंडीशन में, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगी? अगर आप कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल अगर देखना चाहो तो कोई सा भी आप देख सकते हो एग्जांपल में, जैसे आपके लेंटर पे, छत पे जो आगे सेड निकला होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कैंटिलीवर बीम. अगर आप उस पे लोड कोई लगाते हो, उस सेड पे कोई लोड लगाते हो, तो वो एक लिमिट तक उसका रिएक्शन प्रोवाइड करता है, बट आफ्टर दैट लिमिट वो क्या होता है, फेल हो जाता है. तो वो उसको लिमिट जो रिएक्शंस प्रोवाइड कर रहा है फिक्स्ड सपोर्ट, वो एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूवमेंट नहीं होने दे रहा है, मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और उसके मूवमेंट को भी, बेंडिंग मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. तो फिक्स्ड सपोर्ट प्रोवाइड 3 रिएक्शंस. तो यहां पर अगर देखो तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, रिएक्शंस इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज इक्वल टू 3 एंड बोथ आर इक्वल. It means number of reaction is equal to number of static equilibrium equation. तो cantilever beam आपकी always कैसी beam होगी? This is always statically determinate. This is statically determinate cantilever beam, not probed cantilever. Only cantilever beam is always statically determinate. Means number of reaction bhi 3 hai aur number of static equilibrium bhi
इक्वेशन भी तीन है। अगर यहां पर आप बात करें तो नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एक इक्वेशन हटाएंगे तो एक रिएक्शन हटेगा, तो आप यह भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज टू, क्योंकि समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो एंड समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। इन दिस केस, अगर इस केस की बात करें, इन दिस केस नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज इक्वल टू टू, तो हॉरिजॉन्टल जब लोड नहीं लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं होगी, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू टू। तो ये जब दोनों इक्वल है तो ये स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है। ओके, तो कैंटिलीवर बीम ऑलवेज स्टैटिकली डिटरमिनेट होती है, दिस इज ऑलवेज स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, कैंटिलीवर बीम इज ऑलवेज स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिंज इन सपोर्ट, हिंज रोलर सपोर्ट भी आप दे सकते हो, हिंज सपोर्ट भी। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में क्या होता है कि अगर आप कैंटिलीवर बीम पे जाते हो तो अगर कैंटिलीवर बीम में कोई फेलियर होने का चांस है तो आप क्या करते हो, फ्री एंड पर कोई हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट दे देते हो, दिस इज हिंज सपोर्ट। ठीक है, हिंज सपोर्ट दिया तो यहां पर कितने रिएक्शन आ गए, अगर आप यहां पर देखो, दिस इज पी लोड, दिस इज फिक्स सपोर्ट, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो अगर नॉर्मलाइज कंडीशन में देखो तो दिस इज आर ए वी एंड दिस इज एम ए, ओके, एंड फ्रॉम हियर दिस इज आर बी वी। नॉर्मलाइज कंडीशन में अगर आप देख रहे हो, नॉर्मलाइज मैं यूजफुल इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, यहां पर हॉरिजॉन्टल कोई लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं आ रहा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लोड भी लगा देता, अगर सपोज कर लो मैं एक हॉरिजॉन्टल लोड इस पर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, आई एम गोइंग टू अप्लाई अ हॉरिजॉन्टल लोड हियर, ओके, अ हॉरिजॉन्टल लोड हियर, दिस इज पी हॉरिजॉन्टल लोड हमने लगा दिया, तो अगर आप यहां पर हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी, RBH, RAH, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू 3 to 5 एंड नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज इक्वल टू 3, दिस इज नॉट इक्वल, दैट्स वाई द प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम इज ऑलवेज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, कोई भी कंडीशन हो, नॉर्मल कंडीशन हो या जनरलाइज्ड। अगर नॉर्मल कंडीशन में केवल एक लोड लगता तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज का समीशन, द समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, तो यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपने पास कितने होते हैं, देयर आर 2 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, वन यूज्ड इन नॉर्मल कंडीशन, एंड नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो जाते हैं, 2 रिएक्शंस फ्रॉम हियर एंड 1 रिएक्शन इज फ्रॉम हियर, देयर आर नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन इज 2 एंड नंबर ऑफ रिएक्शंस इज 3, तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज स्टैटिकली इन डिटरमिनेट। तो प्रोब्ड कैंटिलीवर इज ऑलवेज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। नाउ नेक्स्ट वन इज द फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम में देखते हैं, दिस इज फिक्स सपोर्ट्स, दिस इज पी लोड, ओके, फिक्स सपोर्ट टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 3, अगर नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में भी जाओ, किसी भी कंडीशन में जाओ, नॉर्मल कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं, नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इस कंडीशन में कितना यूज करेंगे, नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ रिएक्शंस
इज इक्वल टू हाउ मच रिएक्शन, जब हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगा है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दोनों साइड से मैं कैंसिल आउट करता हूं, प्रोवाइड नहीं करूंगा. दिस इज आर ए वी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस इज आर बी वी, आर बी वी, द मोमेंट आर एम ए, सॉरी दिस इज द रिएक्शन इज एम ए एंड अ रिएक्शन प्रोवाइड फ्रॉम हेयर दिस इज एम बी. टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 4. तो फिक्स्ड बीम इज ऑलवेज ऑलवेज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट. ओके, प्रॉप्ड कैंटिलीवर इज ऑलवेज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, continuous beam is always statically indeterminate beam, fixed beam is always statically indeterminate beam, simply supported beam is either statically indeterminate or statically indeterminate beam. Because अगर generalized condition की बात करते हैं तो उसमें hinge और roller best combination है, वो always statically determinate होता है. वैसे ही cantilever beam always statically determinate होता है. Okay, now कंडीशन फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट डिटर्मिनेंट बीम क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्शंस इन द बीम इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो अभी आप पीछे से देखते आ रहे हो, इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं. दिस इज द कंडीशन फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम एंड conditions for statically indeterminate beam is number of reaction in the beam is greater than number of useful static equilibrium equation. This is very important. बहुत सारे exams में objective questions इसके ऊपर पूछे जाते हैं कि which one of the following beam is statically determinate and statically indeterminate. Okay, sorry, this is not an determinant. Indeterminate beam. Okay, spelling mistake. Okay, let us see a example, a objective question. Which one of the following beam is are statically determinate? Simply supported beam. Option A is simply supported beam. Option B is cantilever beam. Option C is overhanging beam. And option D, all of the above. अगर इसमें ये कंडीशन दिया होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, कंडीशंस आप सिंपली सपोर्टेड बीम को मैंने क्या बोला कि कंडीशन नहीं गिवन है, इज अप टू द गिवन कंडीशंस कि कैसा लोडिंग कंडीशन है, सपोर्ट्स कैसे हैं, तो उसके हिसाब से आप इसे स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों कह सकते हो. तो यहां पर जब सिंपली सपोर्टेड बीम बोल रहा है तो दिस इज हम किस कैटेगरी में लेके चलेंगे, दिस इज डिटर्मिनेट. कैंटिलीवर बीम भी आपका डिटर्मिनेट होता है, यह भी डिटर्मिनेट होता है. और जब सिंपली सपोर्टेड डिटर्मिनेट होगा तो ओवरहैंगिंग बीम भी आपकी डिटर्मिनेट होगी. अप टू इट इज अप टू द गिवन कंडीशन. अगर फिक्स्ड बीम गिवन होता तो फिक्स्ड बीम तो कभी भी आपका डिटर्मिनेट नहीं होता है, प्रोब्ड कैंटिलीवर कभी भी नहीं होता है, कंटिन्यूअस कभी भी नहीं होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट. लेकिन यहां पर कंडीशन है सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, ये तीनों आपकी डिटर्मिनेट बीम भी होती है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इज डी. ओके, अगले लेक्चर में हम लोग इफेक्ट ऑफ लोड्स की बात करेंगे. अभी थर्ड टाइप ऑफ लोड में पॉइंट लोड, फिर यूडीएल और यूवीएल, उनका एनालिसिस करेंगे, किस तरह से उनको एनालाइज किया जाता है, और उन लोड्स के इफेक्ट की स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू.